हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं बॉम्बे का मशहूर ब्रेकफास्ट वड़ा पाव की रेसिपी, जिसको आप सिर्फ ब्रेकफास्ट की तरह ही नहीं बल्कि इस रमज़ान में नॉर्मल इफ्तार के स्नैक्स की तरह भी ले सकते हैं। बट खाने में तो इसका मज़ा ही कुछ और है, बहुत ही मज़ा आ जाएगा और नॉर्मल बहुत ही सिंपल तरीके में आप इसको बना भी सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो काइंडली मेरे वीडियो के नीचे जो रेड कलर सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको क्लिक करके साथ ही बाजू वाला बेल बटन को दबा दीजिए, जिससे मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो देखिए, इसको बनाने के लिए मैंने स्टाव पर एक पैन को रख लिया है, जिसमें मैंने थोड़े से ऑयल को ऐड कर लिया है और इस ऑयल को हीट होने के बाद इसमें 1 टीस्पून जितने राई के दानों को मैं डाल रही हूँ। जब ये राई के दाने चटकने लगे तब इसमें 1 फाइनली चॉप की हुई ग्रीन चिली को डाल दीजिए। तो ग्रीन चिली को डालने के बाद थोड़े से कड़ी पत्तों को भी डाल दीजिए और इसको बस 1 मिनट सॉट करने के बाद इसमें 1 टीस्पून जितने अदरक और लहसुन के पेस्ट को डालकर इसकी रॉ स्मेल जाने तक इसको 1 से 2 मिनट तक सॉट कर लीजिए। तो इस तरह से सॉट करने के बाद इसमें एक बड़े साइज़ के आलू को लेकर मैंने उबाल कर इसको मैश कर लिया था। अब उस उबले और मैश किए हुए आलू को मैं इसमें डाल रही हूँ। तो इस तरह से आलू को डालने के बाद अब हमें थोड़े से स्पाइसेस को डालना पड़ेगा, जिसमें मैं पहले ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून जितने हल्दी को और उसके बाद यहाँ पर 1 टीस्पून जितने लाल मिर्च पाउडर और यहाँ पर 1 टीस्पून जितना धनिया पाउडर और स्वाद अनुसार थोड़े से नमक और साथ ही यहाँ पर 1 टीस्पून जितने चैट मसाला। इससे हमारे वड़ा में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से एक बार मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद अब हमें इसमें डालना पड़ेगा 2 टीस्पून जितने लेमन जूस को। नींबू के रस को डालने के बाद इसमें फाइनली चॉप किए हुए हरे धनिए को भी डालकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए और मिक्स करने के बाद इसको ठंडे के लिए छोड़ दीजिए, रूम टेम्परेचर पर आने के लिए साइड में रख दीजिए। और इसके बाद यहाँ पर हमें बेसन के घोल को बनाना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने एक मिक्सिंग बाउल में 1 कप बेसन को ले लिया है और इसमें मैं अब शामिल कर रही हूँ 1/4 टीस्पून जितने हल्दी और साथ ही 1/2 टीस्पून जितने नमक को और उसके बाद यहाँ पर 2 टीस्पून जितने ऑयल को भी इसमें डाल लीजिए। अगर आप चाहे तो थोड़े से नींबू के रस को भी इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद इन सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पर हमें थोड़ा थोड़ा करते हुए पानी डालते हुए एक बहुत ही बढ़िया सा बिना गुठलियों वाला लम्प फ्री बैटर हमें तैयार करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा बैटर जो है वो ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हमें बहुत ही बढ़िया सा मीडियम थिक कंसिस्टेंसी वाला बिना लम्प्स के बैटर को तैयार करना पड़ेगा। इस तरह से बैटर को तैयार करने के बाद उसको साइड में रख दीजिए और यहाँ पर जो आलू के मिक्सचर को हमने ठंडे के लिए छोड़ा था, अब उस आलू के मिक्सचर से हमें इस तरह से छोटे छोटे बॉल्स की तरह लेकर साइड में रखना होगा। तो इस तरह से सारे बॉल्स बना लीजिए बनाए हुए मिक्सचर से। यहाँ पर हम वड़ा के लिए इस बॉल्स को बना रहे हैं। इस तरह से बॉल्स को बनाकर साइड में रखने के बाद अब हमें इससे वड़ा बनाने के लिए डीप फ्राई करने के लिए थोड़े से ऑयल को हीट करना पड़ेगा। जब ऑयल हमारा अच्छे से हीट हो जाए, यहाँ पर हमारे बनाए हुए बेसन के घोल में इस बनाए हुए आलू के बॉल्स को डिप करते जाइए और इस गर्म हुए तेल में इसको डालते जाइए। तो देखिए, इस तरह से आलू के बॉल को लेकर इस गर्म हुए तेल में इसको डालते जाइए और इसको हमें दोनों तरफ से अच्छे गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना पड़ेगा। तो जब आप डालेंगे इस वड़ा को तो फ्लेम को हाई रखिएगा और उसके बाद फ्लेम मीडियम कर दीजिए और उस मीडियम फ्लेम में इसको आप अच्छे से फ्राई कर लीजिए ताकि ये दोनों तरफ से अच्छा गोल्डन कलर आ जाए। तो इस तरह से गोल्डन कलर आने के बाद इसको आप साइड निकाल लीजिए। तो हमारा वड़ा जो है वो बनके तैयार हो चुका है। तो इसको साइड में निकाल लेने के बाद अब हमें वड़ा पाव बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी पाव को लेना होगा। तो इस तरह से एक पाव को ले लीजिए और पाव को लेने के बाद इसको बीच में इस तरह से स्लिट लगाना पड़ेगा। इस तरह से बीच में कट करने के बाद यहाँ पर ये मेरे घर पर बनाया हुआ स्पाइसी पाउडर है, जिसका वीडियो ऑलरेडी मैंने मेरे चैनल पर डाला हुआ है और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। आप चाहे तो वहाँ से देख लीजिएगा। बस सिर्फ 4 चीज़ों के साथ आप इस स्पाइसी पाउडर को बना सकते हैं। इस तरह से बीच में पाव के बीच में डालने के बाद यहाँ पर जो वड़ा हमने बनाया था उसको बस आप दोनों हाथों के बीच में रख के स्लाइटली इसको प्रेस करके इस पाव के बीच में रख दीजिए और बस इतना ही, हमारा वड़ा पाव जो है वो बन के तैयार हो चुका है।
आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके टेस्ट कैसे लगा आपको ज़रूर हमें कमेंट के जरिए बता दीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए, और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।